लॉकडाउन खुलने के बाद सब्जियों के भाव में लगातार उछाल आ रहा है। पिछले हफ्ते भर में ही सब्जियों के भाव में 50 से 100 फीसदी तक का इजाफा हो चुका है। टमाटर 20 रुपए किलो से 30 रुपए किलो हो गए, टिंडे 40 से 60, भिंडी की अगर बात करें तो 20 से 40 और तुरई, गवार, चौला फली भी 40 रुपए किलो से 60 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। आलू और प्याज में भी 5 रुपए किलो तक की तेजी देखी जा रही है। मुहाना फल सब्जी मंडी विक्रेता अध्यक्ष राहुल तंवर ने यह बताया कि होटल और रेस्टोरेंट में सब्जियों की मांग में इजाफा हुआ तो दूसरी ओर गर्मी से सब्जी की फसल को भी नुकसान हुआ। अब मॉनसून आने पर सब्जियां और महंगी होने की भी संभावना है। जहाँ 2 से 4 रुपए किलो बिक रहा था, वही टमाटर आज 15 से 18 रुपए किलो बिकने लग गया है। जो टमाटर आसपास के क्षेत्रों से मोहना मंडी में आ रहा था, वो उसकी आपूर्ति लगभग बंद हो गई है। अब टमाटर मुख्यतः बेंगलोर व हिमाचल के सोलन क्षेत्र से टमाटर मोहना मंडी में आ रहा है। टमाटर की फसल कम होने से टमाटरों के भावों में काफी तेजी आई है। टमाटर अन्य राज्यों से मोहना मंडी में सप्लाई हो रहा है और आने वाले दिनों में भी सब्जी के भावों में काफी तेजी देखने को मिलेगी। जहाँ टिंडा 15 से 20 रुपए किलो था, वही टिंडा अब 25 से 30 रुपए किलो हो गया है। टिंडा मुख्यतः शाहपुरा व मनोहरपुर से टिंडे की आपूर्ति मोहना मंडी में हो रही है।